नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। हम कई समय से देख रहे हैं कि हल्द्वानी में नशे की आदत लोगों में बढ़ती जा रही है। अब नशे के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, यहां तक कि अब डॉक्टरों के ऑफिसों में जाकर भी चोरी हो रही है। जी हां, एक ऐसा ही नया मामला आया है हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से, जहां एक छात्र चोर हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों के ऑफिस में से कीमती सामान को चुरा के ले जा रहा था। जब यह मामला खुला और डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन से इसकी शिकायत की कि हमारे ऑफिस में से अनेक कीमती सामान गायब हो रहे हैं, तब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो एक आरोपी की पहचान हुई, जो कीमती सामान ऑफिसों में से बैगों में भर के बाहर ले जा रहा था और यहाँ तक कि वह डॉक्टर की जैकेट जो सफेद होती है उसे भी पहन के बाहर को निकला। फिर इसकी शिकायत पुलिस को दी गई और पुलिस ने देवलचौड़ निवासी अरुण पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से कई सामान बरामद कर लिए गए हैं। जब उससे पूछताछ हुई कि यह चोरी क्यों हुई, तब उसने बताया कि मैं नशे का आदी हूँ और मेरे को नशे के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे थे, जिस कारण से मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसलिए मेरे को यह सबसे उचित लगा, क्योंकि यहाँ जो सामान लिया उससे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैं लगातार ऑफिसों में जाके डॉक्टरों की चोरी कर रहा था। यानी कि ये नशा एक ऐसा बनता जा रहा है जिसके लिए युवा कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम देखते हैं कि कई बार इनको पकड़ा जाता है और इसका कारोबार लगातार बढ़ रहा है, यह नहीं कि कम हो रहा है। ज़्यादातर लोग नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और इसके लिए खतरनाक और अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने वाले निर्णय भी उठा रहे हैं। ज़रूरत है इन मामलों को रोकने की और नशे पर लगाम लगाने की। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।